नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक विषय के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर बहुत सारे जो यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके द्वारा बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करा जा रहा है। इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है, क्यों ये सारी चीजें करी जा रही हैं, क्या ऐसा एग्जाम में पैटर्न चेंज करने वाला है या फिर किया है, क्यों लोक सेवा आयोग बार बार जो एग्जाम्स की डेट है इनको एक्सटेंड कर रहा है, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या ये छात्र जो है ये मांग कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्या लोक सेवा आयोग के सचिव के द्वारा जो छात्रों को भरोसा या फिर जो आश्वासन है वो दिया गया है। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल ये प्रोटेस्ट है कि अभी आने वाली जो हमारी समीक्षा और सहायक समीक्षा आरओ और एआरओ एग्जाम की जो डेट है, इस एग्जाम की डेट को लेके और साथ ही साथ यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है, इन एग्जाम की डेट को लेके बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, हमारा जो समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ का जो एग्जाम था, ये पेपर लीक हो गया था। इस पेपर लीक के बाद गवर्नमेंट ने, जो लोक सेवा आयोग ने घोषणा करी थी कि इस पूरे पेपर को दोबारा से कराया जाएगा, और इसी चिंता को देखते हुए जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, इन्हीं सारी घटनाओं को देखते हुए आयोग के द्वारा भी जो कई बार ये जो एग्जाम होने वाला था यूपीपीसीएस का, इस यूपीपीसीएस के एग्जाम को भी कई बार एक्सटेंड करने की जो डेट है उनको पोस्टपोन करने की घोषणाएं हमें बार बार देखने को मिली। इसी प्रकार हम यहां पर देखेंगे तो बेसिकली जो एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा मांग करी गई कि जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है और आरओ एआरओ का जो एग्जाम है, इनको एक ही पाली में कराए जाने की मांग करी गई। ये मांग इसलिए करी गई क्योंकि आयोग के द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली गई, कुछ ऐसी घोषणाएं सामने हमें देखने को मिली कि जो अलग अलग पालियों में परीक्षा होगी, अलग अलग शिफ्ट में जो परीक्षा होगी और अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, और उसमें एक जो बड़ा बिंदु आ रहा था वो आ रहा था नॉर्मलाइजेशन का, यानी कि जब अलग अलग दिन एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रणाली है उसको वापस से लेके आने की मांग, जो घोषणा है वो करी गई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा। अगर ऐसा होता है तो इससे क्या समस्या होती है, तो छात्रों के द्वारा सबसे बड़ी मांग ये करी गई, सबसे बड़ी चिंता ये जताई गई कि अगर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन आ जाता है तो फिर अगर किसी पाली का जो प्रश्न पत्र है वो बहुत ज़्यादा हार्ड था या फिर किसका जो प्रश्न पत्र है वो बहुत ज़्यादा सरल था, इन चीज़ों के डिसीजन के लिए कोई कैसे भी किसी प्रकार की कोई मानक नहीं है। उसके साथ साथ छात्रों के द्वारा ये भी आरोप लगाए गए कि इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में लोक सेवा आयोग या फिर जो सरकार के द्वारा जो करप्शन जैसी चीजें हैं उनको किया जा सकता है, ये आरोप छात्रों के द्वारा लगाए गए। उन्होंने कहा कि आयोग अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए परीक्षा को कई पालियों में आयोजित कराया जाना चाहता है, क्योंकि आयोग को लगता है, सरकार को लगता है कि अगर एक ही पाली में जैसे अब तक सारी परीक्षाएं होती आ रही थी, ऐसे एग्जाम अगर इन्होंने कराए तो हो सकता है फिर से जो एग्जाम लीक की घटनाएं हैं, ये एग्जाम लीक की घटनाएं हमें देखने को मिले। अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि बार बार जो हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम है, ये एग्जाम बार बार एक्सटेंड हो चुका है। इसके पीछे अगर हम बात करें तो यहां पर उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि कई पालियों में परीक्षा आयोजित की जाती है तो अंकों का सामान्यीकरण, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इस नॉर्मलाइजेशन को किसी विशेष पाली में उपस्थित होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको अंकों में वृद्धि या फिर कमी इससे हो सकती है, यानी कि इसका एक अनुचित रूप से एक फायदा उठाने की जो चिंता है वो जाहिर कुछ जो छात्र हैं उनके द्वारा करी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक हमेशा एक ही पाली में एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, लेकिन अब ये जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनकी ट्रेंड पे जो अलग अलग पालियों में एग्जाम कराने की जो बात बोली गई है, इस पर जो छात्रों का जो विरोध है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन अब जो परीक्षा की तारीख है वो तीसरी बार बदल दी गई है। यूपीपीसीएस के बारे में हम बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर पूरी साल अभ्यर्थियों ने वेट किया कि किस तरह से ये एग्जाम है, हमारा एग्जाम कब कंडक्ट हो, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर बार बार और अभी आप हाल में देखेंगे कि अभी जो परीक्षा की तारीख है वो परीक्षा भी निर्धारित नहीं करी गई है। इवन बस इतना बोल दिया गया है कि दिसंबर के मिड में जो एग्जाम है ये हमारा कंडक्ट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये है कि आरओ एआरओ और जो यूपीपीसीएस की परीक्षा है ये आयोग के द्वारा दिसंबर के महीने में ही ली जाएगी। अगर हम बात करें तो इन एग्जाम में लगभग 12 लाख अभ्यर्थी आरओ एआरओ परीक्षा में शामिल होने की संभावनाएं हैं, जिसे इस साल की शुरुआत में कथित प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था उसके कारण रद्द कर दिया गया था। यहां पर हम बात करें तो अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि उत्तर प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस 2024 का जो एग्जाम होने वाला है और आरओ एआरओ 2023 की जो परीक्षा है ये दिसंबर के महीने में और एक ही पाली में कराए, ये बड़ी मांग है जो अभ्यर्थी हैं उनकी कि दिसंबर के महीने में दोनों एग्जाम होने चाहिए, इनकी दोबारा से जो डेट है वो पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए और एक ही पाली में होनी चाहिए, ये सारी डिमांड है वो करी गई।
इसके संबंध में जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो जो लोक सेवा आयोग है उसके सचिव हैं वो बाहर आए, उनके द्वारा बात करी गई जो अभ्यर्थी हैं उनसे, और अभ्यर्थियों की तरफ से एक ज्ञापन गया। उस ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने जो अपनी मांगे थी वो मांगे भी मानी, उन सारी मांगों को भी देखेंगे। अब एग्जाम के पोस्टपोन की देखें तो देखो यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है नोटिफिकेशन इसका 1 जनवरी को आता है, और हम बात करेंगे अप्लाई के ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट थी 2 फरवरी थी, और यहाँ पर बात करी गई थी एग्जाम की जो डेट थी तो वो 27 अक्टूबर रखी गई थी, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, और अब जो मिड दिसंबर है इसको एक्सपेक्ट रखा गया है, यानी कि दिसंबर के मध्य जो माह तक यहां पर हम ये एग्जाम है ये हमें देखने को मिल सकता है। अब जो ज्ञापन सौंपा गया है सचिव को उसमें क्या मांगे रखी गई हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, तो अभ्यर्थियों ने बोला है कि परीक्षा की जो अलग-अलग पालियों के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति है सरल व कठिन के पहचान के लिए कोई ऐसी पद्धति नहीं है, जैसा मैंने बताया कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसका अनुचित फायदा उठाया जा सकता है, तो इस अंतर को जो नॉर्मलाइजेशन से नहीं भरा जा सकता, यानी कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन पेपर में इन्होंने कोई जो कठिन क्वेश्चन है वो पूछ लिया, किसी में सरल क्वेश्चन है वो पूछ लिया, तो इनका मानक कोई निर्धारित नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन से सो दैट आप इस चीज को कंपनसेट कर सकें। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और बहुत ज्यादा विवादित रही है, काफी आपने यूपीपीसीएस का अगर आयोग का अगर इतिहास देखा होगा तो बहुत सारे विवाद हमें देखने को मिले हैं पूर्व में भी, ये विभिन्न परीक्षा जो परिणाम है इनमें व्यापक विसंगति उत्पन्न कर चुकी है, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल चुके हैं, इवन बहुत सारे केस अभी भी रिजोल्व नहीं हुए हैं। परीक्षा परिणाम में अगर विसंगति आई तो जो लीगल डिस्प्यूट है वो हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि वही जब एग्जाम होगा तो एग्जाम कोर्ट में जाएगा, और वही अगर कोर्ट में जा रहा है तो बार बार एग्जाम्स में देरी होना, और उससे जो छात्रों का जीवन है छात्रों की जो एग्जाम की होती है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होती है, स्पेशली अगर फीमेल एस्पिरेंट्स के बारे में हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हमें से देखने को मिलती है। इससे जो न्यायिक विलंबित के कारण जो परीक्षा की पूरी प्रक्रिया है वो तय समय में पूरी नहीं हो पाती है, ऐसा हमें बार बार देखने को मिलता है जब भी अगर कोई एग्जाम का जो कोई केस होता है वो जब कोर्ट में पहुंचता है। तो लोक सेवा आयोग द्वारा एक बार जो स्केलिंग की प्रक्रिया है इसका उन्मूलन करके पुनः उसी को लागू करना कहीं से भी उचित और तर्कसंगत नहीं है, ये इस ज्ञापन में जो अभ्यर्थी है इनके द्वारा बोला गया कि पहले जो स्केलिंग की प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता था अगेन इसी पुरानी जो विधि है उस पर आ जाने ये कहीं से भी उचित नहीं है। आयोग के सचिव ने कहा था कि परीक्षा के दिनों पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। दरअसल जो ज्ञापन आयोग के सचिव को दिया गया है उन्होंने बोला है कि इस ज्ञापन के लिए हमें 3 दिन की आवश्यकता है, 3 दिन हमें जैसे ही मिल जाएंगे उसके तुरंत बाद हम जो है फैसला लेंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी छात्रों की चिंताएं हैं उन सभी चिंताओं को हमारे द्वारा कंसीडर किया जाएगा। ये था पूरा मामला, जैसे ही कोई डेट्स जैसे कोई अपडेट आती है तुरंत आपको सारी डेट्स दे दी जाएंगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है ये है, यूपीएससी सीएससी एग्जाम अगर आप 2025 में अपियर होना चाहते हैं तो जस्ट 24999 में आप अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स है इसे अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको 12 महीने का ये कोर्स होता है, इसमें 3 महीने का आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलता है। उसके बाद अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2026 में अपियर होना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 18 महीने का बैच है, 4 महीने का एक्सटेंशन आपको यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो मिल जाती है। इसी तरह से अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2027 में अपियर होना चाहते हैं तो आगाज बैच आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप इनमें किसी भी अगर बैच में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप शुभ 50 कोर्स ज्वाइन करते समय अगर ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आप अवेल कर पाएंगे। होपफुली इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।